हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो हमने देखो कॉन्स्टेंट मोशन के पहले लेक्चर में पढ़ा वो थे पुली कॉन्स्टेंट्स, सेकंड में हमने पढ़े वेज कॉन्स्टेंट्स जहाँ पर ब्लॉक्स कांटेक्ट में थे, है ना। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं पुली वेज कॉन्स्टेंट्स। दोनों को कंबाइन करके अब इसमें पुली वाले कॉन्सेप्ट भी आपके लगेंगे और जो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया वेज वाले वो कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। मान लो यहां पर एक आपका वेज है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये मूविंग है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये स्लाइड कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। ओके, यहां पर एक पुली हमने फिक्स कर दिया और इस पुली से ये पुली से एक रोप आई जो यहां पे ये वॉल है, यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। और ये रोप इधर से होती हुई यहां पर आती है जहां पर कि एक और ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये वेज इधर मान लो वी वेलोसिटी से जाएगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। देखो हम लोग वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं और कॉन्स्टेंट मोशन के फर्स्ट वीडियो से हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन का, वही डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन हो, तो एक चीज पे काम हो जाएगा तो दूसरी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी वी है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर एक्सेलरेशन ए है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन से करते हैं। इसकी एक्सेलरेशन इधर ए है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे पुली ट्रिक लगाएं या जो वेज में हमने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन का वो ट्रिक लगाएं, क्या करें? देखो पुली ट्रिक क्या थी हमारी, पुली ट्रिक ये थी, पुली में हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि टेंशन का जो वर्क डन होता है सारे ब्लॉक्स पे वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है तो टेंशन पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस करने में हेल्प नहीं करती, ओवरऑल पूरे सिस्टम को, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को तो करती है बट ओवरऑल पूरे सिस्टम को नहीं करती है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, जीरो, सबका अगर मिला दें तो, है ना। और वेज वाले में यही ट्रिक मैंने आपको बताया था कि वेज वाले में जब ब्लॉक्स आपस में कॉन्टैक्ट में है तो टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन लगा देना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहां पर हम ये नहीं कर सकते, यहां पर हम ये इसलिए नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि इसको मूव करने के लिए तो टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए तो आप ये लगा सकते हो, लेकिन ये वाला जो दूसरा आपका वेज है ये टेंशन फोर्स की वजह से तो नहीं मूव कर रहा, इसका सोर्स तो हमने बताया ही नहीं, इसको मान लो पकड़ के कोई खींच रहा है तो मैं इसके लिए ये नहीं लगाऊंगा ना। जितने भी मूविंग ब्लॉक्स हैं जिनका मास है क्वेश्चन में, पुली को तो हम लोग मासलेस लेते हैं लेकिन इसका तो मास है, इसका तो मास है, जितने भी मूविंग है जिनका मास है उन सब पे टी डॉट एक्स का जो सम है वो जीरो आना चाहिए, इसके लिए वो चीज नहीं लग सकती, तो हम ये वाला इसमें क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी और नई बात बताता हूं, यहां पर हम लोग यूज करेंगे कि एक ब्लॉक इतना मूव करता है तो दूसरा कितना मूव करेगा, ये चीज हमको पता लगेगी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रोप की लेंथ कितनी चेंज हुई है तो दूसरे में कितनी चेंज हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सेगमेंट है रोप का और मान लेते हैं इसकी लेंथ है एक्स और ये दूसरा सेगमेंट है, यहां पे तो क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है दो सेगमेंट्स में हम इस रोप को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा मान लो मान लेते हैं कि इस लेंथ को एक्स नहीं, इसको मान लो एल वन ले लेते हैं, इसको एल टू ले लेते हैं, और ये चीज तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताई थी कि रोप की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है बिकॉज रोप हमारी इनएक्सटेंसिबल है, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जैसे जब ये इधर जाएगा तो ये सेगमेंट कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, रोप की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी ना, कि अगर इधर से लेंथ कम हुई है तो उतनी ही लेंथ इधर से बढ़ेगी, उतनी ही लेंथ बढ़ेगी, समझ में आई बात? अच्छा तो अगर ये ब्लॉक, ये वेज इधर मान लो जा रहा है एक्स डिस्टेंस, तो इधर से इसकी लेंथ कितनी कम हो जाएगी, एक्स,
अगर ये मान लो इसकी ये वाली लाइन मैं फिलहाल मान लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिख लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन जो है इस तरफ की वो ए है। मान लो ये यहां पर पहुंच गया, कितना एक्स मूव करा ये, तो ये वाली जो इसकी ये वाली जो लाइन है वो यहां आ जाएगी और इसकी ये वाली जो लाइन है वो यहां होगी, ठीक है, यही रहेगा ना। अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव करा है तो देखो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये भी एक्स होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इस सेगमेंट का वो यहां आ गया, यानी इतनी लेंथ शॉर्ट हो गई रोप की, कितनी लेंथ शॉर्ट हो गई, एक्स लेंथ शॉर्ट हो गई, तो यानी कि ये एक्स घटा, तो ऑब्वियसली वो सारी लेंथ इधर चली गई क्योंकि रोप तो हमारी इनएक्सटेंसिबल है, तो ये ब्लॉक यहां से कितना नीचे आया, एक्स। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक ये है बच्चों कि सबसे पहले आप हमेशा चाहे एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, चाहे वेलोसिटी निकाल रहे हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, सबसे पहले यहां पे तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, हम इसको नाम दे देते हैं W वेज, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ब्लॉक बी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे जो भी निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी निकाल रहे हो, सबसे पहले आप वो निकालोगे ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज। ब्लॉक का क्या निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालोगे हमेशा। इसका क्या मतलब है, आपको बताया था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन वाले वीडियो लेक्चर में कि अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मैं ये मान रहा हूं कि वेज रिस्पेक्ट वेज जो है वो रेस्ट पे है, या फिर मैं ये मान रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर है वो वेज पर है। मान लो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, एक छोटी सी चींटी है, चींटा है, कॉकरोच है, कुछ भी है, वो जब इसको देखेगा, क्योंकि वो तो खुद वेज का पार्ट है, ये भी वेज पे अभी स्लाइड कर रहा है, तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए तो ये ब्लॉक सिर्फ नीचे जा रहा है, तो वही हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। ग्राउंड के फ्रेम से हम लोग बाद में निकालेंगे। देखो ग्राउंड से जो कोई देख रहा है उसके लिए तो इस पे दो मोशन है, एक तो ये नीचे भी जा रहा है और क्योंकि ये इसके साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में है तो ये इधर भी जा रहा है, है ना, नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, बट वो ग्राउंड के फ्रेम में है। अभी यहां से जो बंदा देख रहा है बैठ के, बंदा चीटा कॉकरोच जो भी है, वो यहां से देख रहा है ना बैठ के, तो उसके लिए तो ये सिर्फ नीचे ही जा रहा है। तो हम हमेशा ब्लॉक की एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालेंगे और बाद में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। अब इससे बहुत इजी हो जाता है काम, क्योंकि देखो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाल रहा हूं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाल रहा हूं तो ये सिर्फ नीचे जा रहा है, और कितना नीचे जा रहा है, जब ये ए इधर, जब ये एक्स इधर जा रहा है तो ये एक्स इधर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगी। इसका मतलब है अगर इसकी एक्सेलरेशन सेम है, भाई दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी सेम है, डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन सेम है, तो पता ही आपको। तो अगर ये x इधर जा रहा है तो ये x इधर जा रहा है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वेज इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ कितनी है, a, है ना, क्योंकि ये x इस तरफ जा रहा है तो ये x इस तरफ जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो a होगी वो इस तरफ होगी, क्लियर, ठीक है। तो ये है क्या, मान लो जो हम लोग हमेशा से लेते आए हैं अपने x और y एक्सिस, वो लें तो ये x है, ये y है, तो ये किधर है, ये इधर है a, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्यों बनाने पड़ेंगे मैं बताता हूं। फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज विल बी a इन दिस डायरेक्शन। अब देखो जो ग्राउंड के फ्रेम से इसको देख रहा है, ग्राउंड के फ्रेम से, वो तो कहेगा कि ये सिर्फ ऐसे नहीं जा रहा, ये इसके साथ साथ ऐसे भी जा रहा है। अब ये क्योंकि इसके साथ कांटेक्ट में है हमेशा, तो अगर ये इधर x जाएगा तो ये भी t टाइम में इधर x जाएगा, तो इस तरफ भी इस पे एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस पे, इस वेज पे इस तरफ एक एक्सेलरेशन है a, और ये वेज के साथ कॉन्टेक्ट में है तो इस पे भी इधर एक एक्सेलरेशन होगी a, ठीक है। तो a किस पे एक्सेलरेशन है, a इधर। अब हम लोग बात करें अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या फॉर्मूला था बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या है, ये अच्छा ये वाला एंगल थीटा है,
ये वाला एंगल मान लो है जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसका ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। तो इस एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट क्या हुआ बच्चों, ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हुआ, ए साइन थीटा। तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो है ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, माइनस क्योंकि इस तरफ है ना, नीचे की तरफ, ये वाई नेगेटिव वाई एक्सिस मारा, और माइनस ए आई कैप भी है इसमें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ए भी है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से कोई देखेगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन है ये, इसमें और इसमें ए कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस थीटा माइनस वन इंटू आई कैप माइनस ए साइन थीटा इंटू जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, आपको मालूम है ये बात, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना, कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो अब इसको, जितना भी सॉल्व हो रहा है, ए बी जी का मैग्नीट्यूड, ए बाहर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर कॉमन आके रूट के बाहर ए हो जाएगा, इसको खोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, वन प्लस वन टू, टू कॉमन आ गया टू, यहां पे बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, रूट टू इंटू रूट टू टू, टू ए साइन थीटा बाय टू। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने करना क्या है बच्चों, हमने करना है कि हम ब्लॉक की पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे वेज के रिस्पेक्ट में, यानी वेज को रेस्ट पे मान के सिर्फ ब्लॉक के मोशन को कंसिडर करेंगे कि वो कितना मूव कर रहा है, जब वो हमारे पास आ जाएगी फिर हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये हमारा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चलता आ रहा है हमेशा से, वो हम लेंगे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार याद करा देता हूं कि किसी भी बॉडी ए की बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी निकालनी हो, अगर आप एक तीसरी बॉडी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो उसमें सी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू ए, प्लस मतलब रिजल्टेंट। सो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है और वेज डालना है बीच में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, समझ में आ गया फंडा। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, बढ़िया तो ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जरा, बहुत इजीली, देखना जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है ये कि इस वेज को ए एक्सेलरेशन से इधर पुल किया जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, सिंपल। अच्छा, अब जब हमने इसको, ध्यान से देखना जरा, जब हमने इसको एक्स एक्सेलरेशन इधर खींचा, सॉरी एक्स डिस्टेंस इधर खींचा, तो ये वाला स्ट्रिंग कितना खींचा, ये वाला एक्स खींचा, ये वाला स्ट्रिंग कितना खींचा, ये वाला भी एक्स खींचा, है ना। ये मान लो ये ब्लॉक हमारा, ये वाला जो पॉइंट है यहां पहुंच गया x डिस्टेंस, तो ये वाला पॉइंट भी यहां पहुंच जाएगा, तो इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ, इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ भी x बढ़ी और इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ भी x बढ़ी, ठीक है, समझ में आया। तो कितना अच्छा, इस वाले की लेंथ कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये तो वर्टिकल में है ना, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये x बढ़ा ये x बढ़ा, तो ये 2x घटा होगा क्योंकि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो तो सेम रहेगी, एक सेगमेंट हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार सेगमेंट है, तो ये x बढ़ा ये x बढ़ा ये कांस्टेंट रहा, तो इन दोनों में x बढ़ने के लिए लेंथ आई कहां से, यहां से, तो ये कितना ऊपर गया 2x,
ये कितना ऊपर गया, 2x। अच्छा जी, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, अगर ये x डिस्टेंस मूव करता है तो ये 2x डिस्टेंस मूव करता है। मान लो अगर मैं मान रहा हूं ये y डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये y को मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 2x है। इसको दो बार डिफरेंशिएट करने पे मेरे को मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज इन दिस डायरेक्शन, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 2a इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ये एंगल है मान लो थीटा, तो इन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थीटा a। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, a cos थीटा इस तरफ और a sin थीटा इस तरफ। ओके ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, जो ये है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ, जो मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो अभी हम उसकी फॉर्म निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्स डायरेक्शन में इधर प्लस ए आई कैप। ओके ओके, सो दिस ए कॉमन आ गया, वन माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मैग्नीट्यूड आप इसका निकाल सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जितना सॉल्व होता है कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये जो वेज है हमारा, इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इधर खींचा जा रहा है, तो ये ब्लॉक हमारा, अच्छा हाँ ठीक है, ये ब्लॉक जो है हमारा, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगी, ठीक है चलो देखते हैं। ओके अच्छा, जब मैं इसको x डिस्टेंस इधर खींचूंगा तो ये x खींचेगा, ये भी x खींचेगा, वर्टिकल वाले सेम रहेंगे ना, क्योंकि ये वाली लेंथ तो इतनी रहेगी, ये x खींचेगा, ये भी x खींचेगा, तो टोटल लेंथ कितनी खींचेगी, 2x। तो वो 2x लेंथ कहां से आएगी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये घटेगी 2x, यानी कि अगर ये x इधर जाता है तो ये 2x इधर जाता है, जिससे हमें यह पता चला कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन वेक्टर फॉर्म इस तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन का डबल, माइनस टू इंटू फाइव आई कैप यानी माइनस टेन आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस आई कैप क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज माइनस टेन आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस कितना, फाइव आई कैप, सो इट इज माइनस फाइव आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमने इस बड़े से ब्लॉक को इधर खींचा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो बताओ इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। सिंपल फंडा, जब तुम इसको एक्स इधर खींचोगे तो ये वाली स्ट्रिंग भाई दूर जाएगा ना, ये फिक्स है, तो ये लेंथ कितनी बढ़ेगी, x बढ़ेगी, ये लेंथ कितनी बढ़ेगी, x बढ़ेगी, ये कितनी बढ़ेगी, x बढ़ेगी, ये कितनी बढ़ेगी, x बढ़ेगी, यानी टोटल लेंथ कितनी बढ़ेगी, 4x, टोटल लेंथ कितनी बढ़ेगी, x प्लस x प्लस x प्लस x, जब ये x इधर जाएगा तो स्ट्रिंग को टोटल लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4x, यानी कि अगर ये x इधर जाता है तो अब ये कांस्टेंट है, ये 4x ऊपर जाएगा, अगर ये x, ये छोटा बनाया मैंने, आप इमेजिन करो कि ये बड़ा है, ये x इधर जाएगा तो ये 4x ऊपर जाएगा, यानी सिंपली अगर इसकी एक्सेलरेशन 2 इधर है तो
इसकी एक्सेलरेशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स है तो एक्सेलरेशन भी 4 टाइम्स हुई। तो इस ब्लॉक में एक इस तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, दैट विल बी 8J cap meter per second square। क्लियर, ऊपर की तरफ है ना, प्लस वाई में, तो 8J cap। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब यहां से कोई देख रहा है इसको, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है 8J cap प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा हमेशा। तो अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा ना एक्सेलरेशन से, तो आपकी ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो रही है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस टू आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो फाइनल आंसर इज -2i cap + 8j cap meter per second square विल बी द एक्स नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर यानी 64 + 4 √68 meter per second square। ठीक, समझ में आ गई बात, ओके। तो बस इसी तरीके से आप कर सकते हो। मेन फंडा ये है कि आपका जो वेज की आप ब्लॉक की पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, जो भी पूछा है वेज के रिस्पेक्ट में, और फिर निकालोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमेशा कांटेक्ट में होगा, हर क्वेश्चन में उसके साथ कांटेक्ट में है, तो जो वेज की एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, उससे ये भी जा रहा है, पर वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम उसको वेज को रेस्ट पे मान के ब्लॉक का निकालेंगे, यानी पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, फिर निकालेंगे ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपसे इजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, खूब सारे सॉल्व करना, मेहनत करना खूब। और अभी कॉन्स्टेंट मोशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, जनरल कॉन्स्टेंट्स के टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना, बाय बाय।